मंत्री अमित शाह 20 फरवरी को बीकानेर के दौरा पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह 3 लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता के सिंह ने तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं से खास बातचीत की। बीकानेर में राजस्थान लोकसभा की 25 सीटों का मंथन कहा जा सकता है। बीकानेर से शुरुआत होनी है, बीकानेर के हनुमानगढ़, गंगानगर की एक सीट और अगर दूसरी बात करें बीकानेर जिले की और चूरू की, यानी संभाग की पूरी तरह से एक तरह से यहीं पर सीटों का मंथन होना है। अमित शाह यहां पर आने हैं। बात करते हैं बीकानेर के जिला अध्यक्ष हैं विजय आचार्य जी से। आचार्य जी क्या कहेंगे? के सिंह साहब, 20 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बीकानेर का प्रवास है। चूंकि राजस्थान के 25 लोकसभाओं को 8 क्लस्टरों में बांटा हुआ है, तो हमारे जो क्लस्टर के जो प्रभारी हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, उनकी देखरेख में उनकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये कार्यक्रम होना है। परसों 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा जिसमें बीकानेर लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ता, गंगानगर हनुमानगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता और चूरू के प्रमुख कार्यकर्ता, यानी कि तीनों लोकसभाओं का एक क्लस्टर बनाया गया है, इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे और वो जीत का मंत्र देंगे। अगर माने तो किस तरह की यहाँ पे जो चर्चाएं रहनी है, क्या सीटों के ऊपर चर्चा होनी है या कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों को लेकर चर्चा होनी है कि किस तरह से अभी तक आपके पास और कौन कौन लोग भाग लेंगे इस बैठक में? मैं समझता हूँ कि लंबो लोबाब में कहा जाए तो यूं कहा जाए कि अब की बार 400 पार वो किस ढंग से हम लोग हासिल कर सकते हैं, ये जीत का मंत्र हमको अमित शाह जी देने वाले हैं बैठक में। मैं सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री भी आने हैं, क्या और दूसरे लोग, उनमें से कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि उस दिन आदरणीय गृह मंत्री जी के राजस्थान में 3 कार्यक्रम है, बीकानेर के अलावा उदयपुर का कार्यक्रम है और जयपुर का कार्यक्रम है, तो प्रदेश नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा। यहाँ जो भी प्रदेश के पदाधिकारी आएंगे, बीकानेर शहर और देहात के कार्यकर्ता उनका पलक पावड़ा बिछाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। देखिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, आपसे बात करें, आप क्या कहेंगे? हम अमित शाह जी का स्वागत करते हैं, इसी तैयारियों में जुटे हुए हैं और 20 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, अब की बार 400 पार। अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे पूरे क्लस्टर है 3 लोकसभाओं के, पूरे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, हमारे संभाग के प्रभारी है सीआर चौधरी साहब आ रहे हैं, और भी हमारे बड़े नेता आने की संभावना है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो लोकसभा चुनाव आगामी आ रहे हैं उनमें कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र देना और हमारा मजबूत बूथ हो, बूथ जीता चुनाव जीता, इन सब काम कार्यकर्ताओं को मंत्र देने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आएगी, क्योंकि कांग्रेस पूरी बिखरी हुई पड़ी है और कोई किधर भग रहा है, कोई किधर भग रहा है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। और यह अमित शाह जी बीकानेर की सीट हम सबसे बड़े मार्जिन से जीते, इसके लिए 20 तारीख को अमित शाह जी पधारे।